इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बनाया खिलौना, 114 रन से हराकर सबसे बड़ी जीत का रच दिया इतिहास। इंग्लैंड ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान को 114 रन के रिकॉर्ड अंतर से शिकस्त दी। यह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। इंग्लैंड ने नेट सीवर ब्रंट की नवाब 81 और डेनी व्हाइट के 59 रन की पारी की बूते 5 विकेट पर 213 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 9 विकेट पर 99 रन ही बना सकी। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की तरह स्टेज ग्रुप मैच में बिना हारे हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने 4 मैच जीते और ग्रुप भी टॉप किया। उसके साथ इस ग्रुप से भारत ने भी अंतिम 4 में जगह बनाई है। इंग्लैंड ने महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत के साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका ने 2020 में थाईलैंड को 113 रन से मात दी थी। इंग्लैंड ने 213 रन के साथ वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया। यहां भी उसने साउथ अफ्रीका को पछाड़ा। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के 4 मैच में से केवल 1 मैच जीता और 3 मैच गंवाए। उसे इकलौती जीत आयरलैंड के खिलाफ मिली थी। पाकिस्तान की कप्तान बिस्मा मारूफ गुरैन इंजरी के चलते इस मुकाबले में नहीं खेली। उनकी जगह नीडरडर ने टीम का कमान संभाली। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान कभी मुकाबले में वापसी नहीं कर पाई। उसने पारी की दूसरी ही गेंद पर सदक समझ को कैथरीन सीवर ब्रांड ने कीपर जेंस को हाथे कैच कराया। आयरलैंड के खिलाफ शतक लगाने वाली मुनीबा अली भी 3 रन बना सकी और चार्ली डीन की गेंद पर आउट हो गई। ओमाइमा सोहेल 9 और सिदरा अमीन 12, नीडरडर 11, आलिया रियाज 5 और सिदरा नवाज 3 सस्ते में लौट गई। इससे पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेट पर 54 रन था। फातिमा सना के 13 और तुबा हसन के 28 रन ने 8वें विकेट के लिए 37 रन जोड़े, जो पाकिस्तानी पारी की सबसे बड़ी साझेदारी रही। इसी के बूते पाकिस्तान ऑल आउट होने से बचा। इंग्लैंड की तरफ से कैथरीन और चार्ली डीन ने 2 विकेट चटकाए। नेट सीवर सारे ग्लेन और साफी एक लेस्टन को 1-1 कामयाबी मिली। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने साफी डंकली को दूसरे ही ओवर में गवा दिया। फातिमा सना को यह कामयाबी मिली। इस वर्ल्ड कप में साफिया की खराब फॉर्म जारी रही। तीसरी नंबर पर आई एलिस कैप्सी भी 6 रन बना सकी और सादिया इकबाल की गेंद पर बोल्ड हो गई, लेकिन व्हाइट के तूफानी खेल से इंग्लैंड ने पावर प्ले में 55 रन जोड़े। व्हाइट और साइबर ने 3रे विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी की। ये दोनों टीम को 100 रन के पार ले गई। व्हाइट ने 29 गेंद पर टी20 करियर का 11वां 50 लगाया। वह 33 गेंद में 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 59 रन की पारी खेलने के बाद 3रे विकेट के रूप में आउट हुई। कप्तान हेदर नाइट 4 रन बना सकी और नीडरडर की शिकार बनी। इस विकेट के जरिए नीडर महिला टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई। उनके नाम 126 विकेट हो गए। 113 रन पर 4था विकेट गंवाने के बाद इंग्लैंड ने आखिरी 45 गेंद में तूफानी अंदाज में 100 रन जोड़े। सीवर और एमी जेंस ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजी को जमकर खबर ली। कमाल की फॉर्म में चल रही सीवर ने 40 गेंद पर 14 चौके और 1 छक्के की मदद से 81 रन की आतिशी पारी खेली। इससे वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई। एमी जेंस ने भी शानदार बैटिंग की और 31 गेंद में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 47 रन बनाई। वह आखिरी गेंद पर आउट हुई। इंग्लैंड को 5 रन पेनाल्टी के भी मिले, क्योंकि पाकिस्तानी कीपर सिदरा नवाज ने गेंद को जमीन पर पड़े ग्लव पर पटक दिया। पाकिस्तान की ओर से फातिमा साना को सबसे ज्यादा 2 विकेट मिले, लेकिन उन्होंने 44 रन दिए। तो ऐसा ही अमेजिंग फेस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।